दर्शकों, अगर धर्म में विश्वास हो तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। ऐसा एक मामला आज हमारे सामने आया है, मीडिया को संबोधित किया संजय गुप्ता जी, यूपी से चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक दंडवत यात्रा कर रहे हैं। पिछले लगभग कई महीनों से वो दंडवत यात्रा कर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचने के लिए। उन्होंने मीडिया से बात किया, कहा कि मैं लगातार आज दंडवत यात्रा कर रहा हूँ ताकि देश को और राज्य को और दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिला सके। विश्वास में बहुत ताकत होती है। ऐसे में एक संत, एक साधु के द्वारा दंडवत यात्रा करना कहीं ना कहीं एक चर्चा के विषय माना जा रहा है। देखिए हमारी खास मुलाकात उन्हीं के साथ। संजय गुप्ता और फक्कड़ बाबा जुड़ रहे हैं, जो कोरोना को भगाने के लिए दंडवत करते हुए आ रहे हैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से। क्या मैंने कैसे आपको लगा कि अगर हम दंडवत करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा? जी, हमको आत्मबोध जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया वैसे जी हमको आत्मबोध होते गया। परिवार से विचार लेने के बाद, मित्रों से विचार लेने के बाद मैं अपने आप को मना नहीं सका। अपने यहाँ लखनेश्वर नाथ है, वहाँ से कहा कि हे प्रभु हमको ले चलना है तो ले चलिए, नहीं तो घर भेजिए, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, आपका विश्व है। ऐसे पूरे विश्व मनुष्य समुदाय का मैं परिवार हूँ। जो बड़े बड़े युगों से महात्माओं ने तपस्या किया अपने परिवार के लिए, चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, तो हमें उचित। कौन सी यात्रा कर रहे हैं जी? लखनेश्वर नाथ से बाबा बैद्यनाथ तक दंडवत यात्रा। दंडवत यात्रा तो बहुत कठिन यात्रा होगी जी। कितने दिन हो गए यात्रा किए हुए अभी आपके? जी लगभग 10 महीना 10 दिन। 10 महीना 10 दिन से कंटिन्यू आप दंडवत देते हुए आ रहे हैं? जी जी, हम कहे भी थे कि सावन में चले थे तो कि हम सावन से एक दिन पहले ढुकेंगे, लेकिन ढुकेंगे जरूर। हमको कोई ले जाना चाहता है, ले जाने दो, इसमें रुको मत, उसका काम है उसको करने दो। फक्कड़ बाबा एक बात बताएं, आप जो लगातार 10 महीने से यात्रा पे हैं तो भोजन की व्यवस्था कैसे हो पा रही है? जी, एक साइकिल पर सामान रहती है, कोई दंड काट के आगे आगे विश्राम करते हैं, भोजन इत्यादि करते हैं, तो कोई भगत, कोई सम्मान में कोई शिव भगत है, गांव ग्राम है, कोई एक गिलास पानी पिलाना चाहता है, तो हम तो देख रहे हैं कि सब शिव के ही अंश है। तो उसमें मैं जात पात देखते हुए अपना है ना, शरीर भी आपका, समय भी आपका, जन भी आपका, धन भी आपका। कब तक पहुंचने का लक्ष्य है बाबा धाम जी? सावन से हम एक दिन पहले पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। जाके वहां पहुंचने के बाद इच्छा है कि लॉकडाउन टूटे, देश में फिर शांति हो जाए, मैया को एक हवन करे शक्तिपीठ पर, और दुनिया को कुछ नया संदेश वहाँ से जागृत, प्रथम अध्याय वो देखे सत्य अहिंसा की, कुछ ऐसी सोच आ रही है हमारे अंदर। देखिए वहाँ जाके एक महीना श्री प्रताप बाबा सेवा आश्रम है, सावन महीना में चाह रहे हैं कि भोलेनाथ को थोड़ा श्री रुद्र महायज्ञ एक महीना भोजन कर ले वहाँ से बैठे बैठे बाबा बैद्यनाथ भोलेनाथ, उसको कराने के बाद फिर उधर से पद यात्रा होगी, जिसमें जहाँ जहाँ मैं विश्राम किया उनके आसपास मंदिरों में कम से कम पूजा पाठ करते हुए अपना आगे तक 500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लूँ, जिसमें मुझे गया जी भी जाना होगा। इतने लोग मरे हैं तो एक पिंडदान जाग रहा है कि नहीं आप उस, माने जो अकाल मौत जिनकी हुई इनके लिए आप पिंडदान भी करेंगे? लिट्टी चोखा है, आ जाइए फिर। उपेंद्रनाथ तिवारी। तिवारी जी आप भी इनके साथ हैं, फक्कड़ बाबा के साथ? 20 दिन के बाद 21वां दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, जब इनकी क्रिया को हमने देख कि विश्व जब मास्क लगा करके अंदर घुसा तो यह व्यक्ति कोरोना को नियंत्रित करने के लिए मार्ग में निकलते, इन्होंने हमको बताया कि बाबा अगर 30 दिन तक मांसाहार मदिरा पान न किया जाए और सत्य बोला जाए तो कोरोना का भय कम। 3 महीना अगर आप नियंत्रित कर दे इस कार्य को तो आपको कोरोना प्रभावी नहीं।